हेलो एवरीवन, आज हम सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर का करेंगे गृह व्यवस्था की प्रक्रिया या प्रोसेस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। देखिए, मैनेजमेंट क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में एक में बात की थी रिसोर्सेज या हमारे साधन। ठीक है, हम सबके पास में साधन होते हैं जिनका उपयोग हम लोग करते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेने के लिए। जो साधन होते हैं वो आपके मानवीय और अमानवीय दोनों प्रकार के होते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊंगी कि साधन क्या होते हैं। साधन है आपका, जैसे पैसा आपका साधन है, आपका समय आपका साधन है, आपकी ऊर्जा आपका साधन है, है ना। आपके पास में कोई फैसिलिटी अवेलेबल है सरकार के द्वारा या आपकी खुद की परचेज की हुई, तो वो आपका एक साधन है जिससे कि आप अपने काम को पूरा करते हैं या आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं और उनसे अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज बेसिकली जो आपके लिमिटेड और रिसोर्सेज जो होते हैं या साधन जो होते हैं ये हमेशा सीमित होते हैं, है ना। किसी भी व्यक्ति के लिए एक लिमिट पे जाके वो रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं या उनकी एक हम कहेंगे कि एक लिमिट जो है वो होती है कि इससे आगे वो उपयोग उनका नहीं कर सकता। तो इन सीमित संसाधनों में, इन सीमित साधनों को हम इस प्रकार से प्रयोग में लाएं कि हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हम इसमें ले सकें। इसी को हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट। यानी रिसोर्सेस को मैनेज करना ही क्या कहलाता है, मैनेजमेंट, जिससे आपको अधिक से अधिक सेटिस्फेक्शन मिल सके। ठीक है, एक मैं परिभाषा इसमें रीड आउट करूंगी आपके लिए। होम मैनेजमेंट इज प्लानिंग, कंट्रोलिंग, इवेलुएटिंग द यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द फैमिली फॉर द पर्पज ऑफ अटेनिंग फैमिली गोल्स। माने कि एक एक करके बताती हूँ कि होम मैनेजमेंट क्या है, प्लानिंग है। प्लानिंग माने योजना बनाना। ठीक है, अपने जो भी गोल्स हैं, अपने जो भी कार्य हैं उनके लिए योजना बनाना, वही क्या कहलाता है, योजना बनाना और फिर उसको क्रियान्वित करना। हम आगे बढ़ेंगे कि योजना के क्या बेनिफिट्स हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, होम मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग, ठीक है, योजना बनाना और कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग माने कि उसके ऊपर कंट्रोल रखना या उसके ऊपर वॉच रखना या उसको एक कंट्रोलिंग का बेसिकली उदाहरण के तौर पे बताती हूँ कि मान लीजिए आपने कुछ प्लान किया कि मुझे 2 घंटे में ये काम कंप्लीट करना है। अब आप उसके ऊपर कंट्रोलिंग नहीं करेंगे, आप उस 2 घंटे के अंदर कोई दूसरा कार्य भी शुरू कर देंगे, कहीं और भी कुछ और काम भी बिखेर लेंगे, तो 2 घंटे में वो आपने जो प्लान किया था 2 घंटे उसके अंदर आप अपना गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्लानिंग के साथ साथ में कंट्रोलिंग आवश्यक है कि जहाँ पर आपने जो चीज़ प्लान की है आप उसको स्टिक कर सकें, आप उसके साथ में रह सकें। इसलिए आपको अपनी प्लानिंग को कंट्रोल कर चलना है कि मैंने यही प्लान किया है और मैं यही काम इस तरीके से करूँगी, या मैंने यही प्लान किया था कि मैं 2000 रुपये में ये काम या अपनी एक ड्रेस जो है वो तैयार कर लूँगी। तो वहाँ पे कंट्रोलिंग क्या होगा कि आप अपने बजट से एक्सीड ना करें, वो उसमें कहलाएगा कंट्रोलिंग। ठीक है, तीसरा स्टेप है इसके अंदर इवैल्यूएटिंग। प्लानिंग के बाद में या मैनेजमेंट में इवैल्यूएशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है रोल होता है, क्योंकि आपने जो भी आप इन फ्यूचर या जब भी आप कोई भी प्लानिंग करते हैं तो उसके लिए आप बहुत सारे जो पुराने आपके एक्सपीरियंस हैं या किसी और के एक्सपीरियंस हैं उनको जो है आप मद्देनज़र रखते हुए, उनको आप ध्यान में रखते हुए जो है आप अपनी प्लानिंग करते हैं कि उन्होंने ऐसा किया था तो उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं आया, तो हम इसको इस प्रकार से करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पहले वाले किसी एक रिज़ल्ट को हम कंपेयर कर रहे हैं। अब पहले वाले रिज़ल्ट को कंपेयर करने लायक हम कब होते हैं, जब किसी ने उस प्रोसेस को इवैल्यूएट किया होगा। यानी जो भी आप करते हैं तो आप उसको लास्ट में या बीच में भी आप इवैल्यूएट करते हैं या उसका मूल्यांकन करते हैं कि क्या हमने जो प्लान किया था या हमने जो गोल रखा था हमने उसको इस प्रोसेस से अचीव किया है या नहीं। ठीक है, तो इवैल्यूएशन या मूल्यांकन करना इसलिए आवश्यक है कि नेक्स्ट टाइम या आगे या भविष्य के अंदर जब भी आप योजना बनाते हैं तो आप इस इवैल्यूएशन के आधार पर जो भी त्रुटियाँ रह गई हैं, जो कमियाँ रह गई थी,
उनको आप आगे दोहराते नहीं है, ठीक है। और ये सब चीज़ें करके, प्लानिंग, कंट्रोलिंग और इवेलुएटिंग करके, आप क्या करते हैं, अपने परिवार के जो गोल्स होते हैं, जो लक्ष्य होते हैं, जो अभी अपन ने लास्ट क्लास में पढ़े थे, उनको हम अचीव करते हैं, या उन गोल्स को हम, या उन लक्ष्यों को हम पूरा करते हैं। किससे करते हैं? मैनेजमेंट से, या व्यवस्था करके, या होम मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है उसको अपना कर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ग्रह व्यवस्था के चरण कौन कौन से होते हैं, मतलब स्टेप्स ऑफ होम मैनेजमेंट प्रोसेस। होम मैनेजमेंट प्रोसेस या किसी भी मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है उसमें हम कौन कौन से स्टेप्स अपनाते हैं। सबसे पहला है नियोजन या योजना बनाना, ठीक है। मैनेजमेंट में सबसे पहला क्या है कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा क्या लक्ष्य है, या हमारी क्या समस्या है जिसका हमें निराकरण करना है, या क्या लक्ष्य है जिसको हमें अचीव करना है। तो हम उसको ध्यान में रखते हुए अपनी एक योजना बनाते हैं, या नियोजन करते हैं, या उसको एक प्लान बनाते हैं, ठीक है। फिर दूसरा होता है संगठन या ऑर्गेनाइज करना। तो जो प्लान आप बना लेते हैं उस प्लान के अकॉर्डिंग आप उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज करने का मतलब कि क्या काम जो है वो कौन करेगा, किस समय पे होगा, है ना, क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, आपकी ऑर्गेनाइजिंग में, कि कौन करेगा, किस समय पर करेगा, कितने समय में करेगा, इसका क्या बजट होगा, ये सब चीज़ें हमारी आती हैं हमारे ऑर्गेनाइजिंग में, ठीक है। उसके बाद है नियंत्रण या कंट्रोलिंग। जैसे कि मैंने आपको अभी डिस्कस किया कि जो भी आपने प्लान किया है उसके ऊपर एक कंट्रोल होना ज़रूरी है। अगर कंट्रोल नहीं होगा तो हो सकता है आप अपना बजट एक्सीड कर जाएं, या आपको जो रिक्वायर्ड मैन पावर थी वो आपको कम पड़ जाए, है ना, या आपके रिसोर्सेज कम पड़ जाएं। अगर हम कंट्रोल्ड वे में अपने मैनेजमेंट प्रोसेस को नहीं अपनाते हैं, या नियोजन की प्रक्रिया को हम कंट्रोल नहीं करते हैं, तो आप अपने गोल्स को, जो आपने प्लान किया है, वो अचीव नहीं कर सकते। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो है आपका मूल्यांकन या इवैल्यूएशन, ठीक है। इवैल्यूएशन क्यों ज़रूरी है, अभी हमने डिस्कस किया कि इवैल्यूएशन से हम अपनी कमियों को, क्या प्रॉब्लम रह गई, या जो भी प्रॉब्लम्स हैं किसी प्रोग्राम को पूरा करने में, है ना, तो वो हम, उससे हमें पता चल जाता है। इवैल्यूएट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब आप प्लान करते हैं या हम लोग प्लान करते हैं, तो उसमें हम इन प्रॉब्लम्स को पहले से ही दिमाग में रखते हुए इनको सॉर्ट आउट करते हैं, या इनको अवॉइड करते हैं कि इनको किस तरीके से हम इस बार अवॉइड करेंगे, ठीक है। मूल्यांकन जो है, फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोग जो है फर्स्ट ईयर के अंदर, मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दिया, आपका प्लान था या आपका गोल था कि आपको जो है 90% या 95% या जितना भी परसेंट आपने प्लान किया था अपने लिए, वो आपको लेकर आना है, ठीक है। और जब आपका एग्ज़ाम हुआ, आपके मार्क्स आए, तो आपके मार्क्स काफ़ी कम रहे, या जो आपने सोचा था उससे कम रहे, तो ये जो एग्ज़ाम हुआ ये क्या है, आपका इवैल्यूएशन। उससे आपको पता लग गया कि आप किस स्तर तक पहुँचे हैं, अभी आपको कितनी और मेहनत करनी है। तो नेक्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के अंदर आप क्या करेंगे, आप उस मूल्यांकन को दिमाग में रखेंगे कि लास्ट टाइम मैं सिर्फ 2 घंटे पढ़ती थी तो मेरे इतने मार्क्स आए, है ना, या हमने ये नहीं किया तो हमारे जो है मार्क्स कम रह गए, ठीक है। तो अब जब नेक्स्ट ईयर आप जब प्लान करेंगे, मतलब नेक्स्ट ईयर जब आप एग्ज़ाम देंगे, तो आपको वो सब चीज़ें ध्यान होगी, तो आप पहले से ही उनको वर्कआउट करते हुए चलेंगे कि आप अपने जो स्टडी आवर्स हैं उनको बढ़ाएंगे, आप अपने पढ़ाई का तरीका चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मूल्यांकन या एवेल्युएशन जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है होम मैनेजमेंट का, ठीक है। अब हम देखेंगे कि नियोजन या योजना बनाना किसे कहते हैं, ठीक है। योजना जो है वो क्या है, एडवांस के अंदर या पूर्व में किसी निर्धारित लक्ष्य के लिए आप जो एक मानसिक प्रक्रिया को अपनाते हुए आप कुछ प्लानिंग करते हैं, उसे आप क्या कहते हैं, योजना बनाना, ठीक है। योजना जो है वो बेसिकली क्या है, एक फ्यूचर प्लान है, जो कि आपने अभी वो काम किया नहीं है, लेकिन आप इमेजिनेशन और अपने जो है मानसिक उसको यूज़ करते हुए आप जो है एक प्लान तैयार कर लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, योजना। योजना जो है वो आप कागज़ और पेंसिल, कागज पेन लेकर भी बना सकते हैं, आप अपने माइंड के अंदर भी एक योजना
बना सकते हैं, है ना। हम हर समय छोटी छोटी योजनाएं तो हमारी बनती रहती है कि अभी मैं ये करूंगी या उसके बाद मुझे ये करना है, ठीक है, या 2 दिन के अंदर अंदर मुझे ये काम कंप्लीट करना है, तो ये हमारी योजना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने उसको कागज और पेन के ऊपर लिखा या हम उसको मानसिक तौर पर भी आगे से आगे कंटिन्यूसली बनाते रहते हैं। जैसे जैसे हम गोल अचीव करते रहते हैं हम आगे की योजना बनाते रहते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो कि आप योजना बनाते हुए अपनाते हैं, ठीक है, या नियोजन करते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला है नियोजन उद्देश्यों और लक्ष्यों पर ध्यान करने के लिए आवश्यक है। ऑब्वियस है कि आप जो नियोजन कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, जो आपने डिसाइड किया है कोई चीज़ कोई काम, तो उसी के लिए आप जो है अपना जो है एक योजना या प्लानिंग जो है आप उसके लिए कर रहे हैं। तो हमेशा जब भी हम योजना बनाएं तो हम ये हमेशा ध्यान में रखें कि हमारा उद्देश्य क्या है और हमारा लक्ष्य क्या है। फिर दूसरा है मनोबल और अभिप्रेरणा में वृद्धि हेतु। देखिए, जब आप पहले से किसी चीज़ को प्लान कर लेते हैं तो आप ऑलरेडी मेंटली उस चीज़ के लिए तैयार होते हैं कि हाँ मुझे इतने बजे से ये काम स्टार्ट करना है, तो आप पहले से अपने आप को मोटिवेट करके रखे होते हैं कि अब मुझे ये इतने बज गए हैं, अब मुझे ये काम स्टार्ट करना है और इतनी समय में स्टार्ट करना है। उस योजना को आप जो है अपने आप को तैयार करते हैं, आप उसके लिए रिक्वायर्ड जो सामग्री है, जो सामान है, जो रिसोर्सेस हैं, वो आप जो है इकट्ठा कर लेते हैं, है ना, ऑर्गेनाइज पहले से हो जाते हैं उस काम को पूरा करने के लिए। तो इससे योजना बनाने से या पहले से प्लानिंग करने से हमारा जो मनोबल है और अभिप्रेरणा है उन दोनों में ही वृद्धि होती है। यानी हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं कि मैंने ये प्लान करा है तो मुझे ये काम करना ही है, ठीक है, या आज मैंने ये डिसाइड किया है तो ये जो डिसाइड किया है वो क्या है, वो मेरा प्लान है, ठीक है। फिर उसके बाद है क्रियाओं में मितव्ययता लाने हेतु। देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक एग्जांपल बताती हूँ कि मान लीजिए कि कोई वर्किंग लेडी है और उसको घर भी संभालना है, अपना ऑफिस भी संभालना है, तो जब आप पहले से अपने नेक्स्ट डे के लिए प्लान कर लेते हैं कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में मैं ये बनाऊंगी या लंच में मैं ये बनाऊंगी या मुझे ये काम मॉर्निंग में करना है, आपने अगर उसको प्लान कर लिया तो आपके जो क्रियाएं होंगी, आपके जो एक्शंस होंगे वो बहुत कंट्रोल्ड होंगे। आप हैफिजर्डली या अननेसेसरली इधर उधर नहीं घूमेंगे कंफ्यूज होके कि मुझे क्या करना है, अच्छा ये बना लूँ, नहीं ये नहीं हो सकता, ये करूँ ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप एक वेल प्लान तरीके से कर रहे हैं, आपने एक योजना बनाई है, तो आपके माइंड में होगा कि हाँ ये चीज़ें मेरे पास में उपलब्ध है तो मैं ये चीज़ें बना सकती हूँ। आप उठते ही जो है अपने काम पर डायरेक्टली लग सकते हैं, आप अपने गोल को बड़ा टाइमली और अपने कम एनर्जी वेस्ट किए हुए, कम टाइम वेस्ट किए हुए, अपने रिसोर्सेज को बचाते हुए आप अपने काम को पूरा कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद है प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में सुधार करने हेतु। ऑब्वियस है, हम ये नहीं कहते कि प्रतिस्पर्धा हम दूसरे से ही करें, हमारी प्रतिस्पर्धा अपने आप से भी चलती है कि कल मैंने इतने घंटे में ये काम कंप्लीट किया था, आज मुझे तो इतने समय में ही ये काम कंप्लीट करना है, कल 2 घंटे में किया था, आज मेरा काम 1.5 घंटे के अंदर ही कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको आपने पहले वाले काम को इवैल्यूएट भी करा और आपने अच्छे से प्लानिंग की कि मैं इन चीज़ों को अवॉइड करते हुए आज का काम करूँगी, जिससे कि मैं इन चीज़ों को अवॉइड करूँ और अपना समय और ऊर्जा बचा सकूँ और अपने रिसोर्सेज को भी बचा सकूँ, ठीक है। फिर है उपलब्ध साधनों के अधिकतम उपयोग हेतु। देखिए, जब आप पहले से प्लान करके रखते हैं तो आपको ये अच्छे से ध्यान होता है कि मेरे पास में कौन से रिसोर्सेज कितने उपलब्ध हैं, क्या लिमिटेशन है मेरे साधनों की, मेरे पास में कौन सा साधन कितना ही है, या ये चीज़ उपलब्ध है ये चीज़ उपलब्ध नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले से जब हमने प्लान किया है तो हम उसको बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर लेते हैं अपने रिसोर्सेज को बचाते हुए। उदाहरण के तौर पे, अगर आपने रात में प्लान किया है कि आपको सुबह कुछ मान लीजिए कुछ
चने बनाने हैं या कोई ऐसी चीज़ बनानी है उदाहरण के तौर पर, जिसमें आपको बहुत समय लगेगा, आप रात में ही उसको अच्छे से सोक करके रखेंगे, भिगो कर रखेंगे, तो आप मॉर्निंग में क्या होगा, आप बहुत कम समय में उसको बनाकर रेडी कर लेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी सोक्ड होंगे, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएंगे, है ना। आपको वेजिटेबल्स बनानी है तो आप उनको पहले से वॉश करके साफ़ करके रखेंगे, तो जब आपका जो टाइम आएगा बनाने का, आप उसके अंदर अपनी एनर्जी और समय को बचा पाएंगे। दूसरा, आप अपने फ्यूल को बचा पाएंगे अगर आप सोकिंग करके फिर जो कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट से आप अपने रिसोर्सेस को भी बचा सकते हो और मितव्ययतापूर्ण उनका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद है राष्ट्र को समृद्ध बनाने में। राष्ट्र को समृद्ध कैसे बनाते हैं हम, कि देखिए प्लानिंग या जो आपका घर है ना, वो एक यूनिट है आपके पूरे राष्ट्र की। सबसे बेसिक यूनिट क्या है, आपका परिवार, आपकी फैमिली। जब आप अपने घर को मैनेज करके चलते हैं, आप अच्छे से योजना बना के अपना कार्य करते हैं, तो डेफिनेट है कि आपकी सेविंग भी अच्छी होगी, आपका जीवन स्तर भी आप ऊंचा उठा पाएंगे, है ना। आप मितव्ययता से अपनी रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो जब एक यूनिट जो है वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगी या उसके जीवन स्तर में जो है बढ़ोतरी होगी, तो ऑब्वियस है उसकी बाइंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी, तो ऑब्वियस है कि जो उसका राष्ट्र है वो भी तरक्की करेगा। तो और हम लार्ज स्केल पर देखें तो होम मैनेजमेंट या कोई भी मैनेजमेंट जो है वो रिसोर्सेज को मैनेज करते हुए जो है हम अपने राष्ट्र के रिसोर्सेज को भी मितव्ययतापूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं और हमारा जो पर कैपिटा इनकम है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका उतावले निर्णयों पर रोक लगाना। अगर आपने प्लानिंग नहीं की है तो आपको आपने पहले से सोचा नहीं कि आपको क्या करना है, क्या काम करना है, अब सडनली आप स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा, एक उतावलापना होगा। और उतावलेपने में या जल्दबाजी में या बिना प्लान किए जब हम काम को करते हैं, कभी कभी हम अपने रिसोर्सेज का नुकसान भी कर लेते हैं, कुछ गलत बना देते हैं, अपने रिसोर्सेज को वेस्ट कर देते हैं। आपका समय जो है वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, उसको आप ज़ाया कर देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आप पहले से प्लानिंग करके रहेंगे तो आपके जो उतावले निर्णय होते हैं आप उनके ऊपर रोक लगा सकते हैं। फिर है विभिन्न कार्यों में एकता और समन्वय स्थापित करना। देखिए जब आप पहले से मैनेज कर लेते हैं कि मुझे कल 2 घंटे इस काम को देने हैं, तो आप उस 2 घंटे को बचाने के लिए, उस 2 घंटे को मैनेज करने के लिए आप अपने दूसरे कामों को भी उसी की तरह से ऑल्टर करते हैं, जिससे कि आप वो 2 घंटे उन कामों से बचा सकें। कि मैं इस काम को इतना जल्दी कर दूँगा कि कल खाने में हम इतना सिंपल ही रखेंगे, इससे ये समय बचेगा, ये समय मैं जो है अपने इस 2 घंटे में दूंगी, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने सभी कार्यों के अंदर प्लानिंग के साथ में आपस में सामंजस्य या समन्वय बिठा सकते हैं। फिर है भावी अनिश्चितता और परिवर्तनों का सामना करने के लिए। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो आपका मैनेजमेंट प्रोसेस होता है, हम आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में, कि उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। यानी और दूसरा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कई बार समस्याएं होती हैं, कुछ अनिश्चितताएं होती हैं जिनको लेकर हम प्लानिंग करते हैं। कि मान लीजिए आपने प्लान किया है कोई पार्टी एक ओपन में, आप बैक ऑफ द माइंड ये रख के चलते हैं एक अनिश्चितता कि बारिश का मौसम है, हो सकता है बारिश हो जाए, तो बारिश हो जाएगी तो हम क्या ऑल्टरनेटिव यूज़ करेंगे, उसकी जगह हम क्या प्रोसेस अपनाएंगे, ठीक है। तो जो भावी अनिश्चितता है हम उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं अपनी योजना बनाने से या अपनी प्लानिंग करने से, ठीक है। और अचानक से मान लीजिए परिवर्तन की बात हम करें कि कोई जो हमारा वर्कर है या कोई हमने जो ऑर्गेनाइज किया है वो वर्कर अब उस समय उपलब्ध नहीं है, प्लानिंग के समय पर था, हमने कोई काम असाइन किया, अब इसको हम किस तरीके से जो है कार्य शुरू हो गया, अब उसके बीच में हम किस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, किस तरीके से हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। कि मान लीजिए अगर एक या दो बंदे जो है चले भी गए या कोई इंसान आया नहीं है, कोई उसने काम नहीं किया है, तो उसकी जगह कौन उस काम को संभाल पाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जब आप नियोजन करते हैं तो इनको ध्यान में रखते हैं।
नेक्स्ट उसके अंदर हम पढ़ेंगे नियोजन की परिभाषा और नियोजन की विशेषताएं।